हेलो स्टूडेंट्स यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल केमिस्ट्री फंडा आई माई सेल्फ डी के झा केमिस्ट्री फैकल्टी आज हम केमिकल कैनेटिक्स चैप्टर को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वन शॉर्ट में पूरे चैप्टर को आपका रिवीजन यहां पे कराने जा रहा हूं आप देखिए केमिकल कैनेटिक्स में क्या होता है कि केमिकल कैनेटिक्स एक्चुअली में हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जो बताता है तो मान लो कि कोई रिएक्टेंट आर है आर से प्रोडक्ट पी बना तो आर से प्रोडक्ट पी बना टाइम टी इक्वल टू जीरो पे लेटेस्ट सपोज कि इसका कंसंट्रेशन ए है तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा जीरो आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टी ये कंसंट्रेशन सपोज कर लो गिर करके आ गया ए माइनस एक्स एक्स कंज्यूम हो गया तो ये बना एक्स अब हम बात करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम चेंज इन टाइम कितना कंसंट्रेशन कितनी देर में चेंज कर गया कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन यदि हम इसको रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं तो निगेटिव साइन लगाते हैं निगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम और यदि हम प्रोडक्ट के सेंस में लिखेंगे तो लिख देंगे प्लस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम दोनों ही कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है चाहे वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है दोनों ही कंडीशन में कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है जब डिक्रीज करता है तब भी चेंज हो रहा है जब इंक्रीज कर रहा है तब भी चेंज हो रहा है तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन इन इंक्रीज कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज प्रोडक्ट के सेंस में दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिख सकते हो माइनस डी आर बाई ड्यूटी यदि हम रिएक्टेंट के सेंस में लेंगे या प्रोडक्ट के सेंस में लेंगे तो प्लस डीपी बाय ड्यूटी इक्वल टू माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी एक्स अपॉन डी टी ये चारों के चारों टर्म एक ही बात बता रहा है और वो बता रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को किसको बता रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को ठीक है आप इसे नोट करें लेटर सपोज कि हमने कोई रिएक्शन लिया एन टू प्लस थ्री एच टू विल गिव यू टू एन एच थ्री तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे आप वो कैसे लिखोगे माइनस डी एन टू बाई डी टी क्योंकि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करेगा डिक्रीज करेगा इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री डी एच टू डी एच टू बाई डी टी जो कॉफिशेंट होगा बेटा उससे डिवाइड कर देना और प्रोडक्ट के सेंस में प्लस ले लो प्लस वन बाय टू डीएनएच थ्री बाय डी टी डीएनएच थ्री बाय डी टी नोट करो आप ठीक है ओके ठीक है हम लिख लिए अब लिखो आप फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है सबसे पहला आ जाओ फैक्टर आ जाओ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जितना ज्यादा बेटा कंसंट्रेशन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा अच्छा प्रेशर का क्या रोल होगा सेकेंड फैक्टर ले लो आप प्रेशर प्रेशर यदि आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन क्या करेगा इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा तो आप इसको लिखो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेज हेंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेज हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाएगा वॉल्यूम कम होने से कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कंसंट्रेशन के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा थर्ड फैक्टर ले लो टेम्परेचर टेम्परेचर में आप ये मान के चल लो कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन इसको थोड़ा सा ऐसे देख लो कि ऑन एवरेज टेन डिग्री से राइज इन टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज टू टू थ्री टाइम्स दो से तीन गुना बढ़ जाता है पर टेन डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस टू टू थ्री टाइम्स इसी को बोला जाता है टेम्परेचर कॉफिशियंट यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं टेम्परेचर कॉफिशियंटी प्लस टेन अब बाय के टी तो रेट ऑफ रिएक्शन टू टू थ्री टाइम्स बढ़ जाएगा टू टू थ्री टाइम्स तो अभी तक हमने तीन फैक्टर देखा है कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा प्रेशर बढ़ने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और टेम्परेचर के बढ़ने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा हाँ यह बात है कि टेम्परेचर को आप टेन डिग्री से इंक्रीज करवाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन टू टू थ्री टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन टू टू थ्री टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा और तीन और छोटा छोटा कम इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट नेचर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट का जो नेचर होगा उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस पर डिपेंड करेगा फोर्थ ले लो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा और फिफ्थ पॉइंट में आप ये मान के चलो कि कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करेगा पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को कैटलिस्ट पर भी डिक्रीज डिपेंड करेगा कैटलिस्ट पर कैसे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन इनर्जी बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन इनर्जी वाइ निगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन बाय इनक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन इनर्जी नोट कर लो आप इसे तो नेचर ऑफ रिएक्टेन पे डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का या एक बात और जान लो मैं उससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर एन एन यहां पे ऑर्डर हो जाएगा आगे जाकर के बताऊंगा जो के है के का के क्या हो जाएगा के हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ए पावर एन रेट का यूनिट क्या होता है रेट क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम तो रेट को आप लिखोगे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इन टू कंसंट्रेशन आ टू दावर एन तो ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन वन माइनस एन डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम तो यदि आपको जीरो ऑर्डर हो फर्स्ट ऑर्डर हो सेकेंड ऑर्डर हो इनका यूनिट निकालना हो यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू क्या ले लोगे जीरो तो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन बाय टाइम कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर तो मोल लीटर इनवर्स टाइम यदि आप सेकेंड में लोगे तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स तो यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स फिर आप ले ले यूनिट ऑफ के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो यहां पे एन का वैल्यू क्या आ गया वन तो वन माइनस वन क्या आ जाएगा जीरो कंसंट्रेशन टू पावर जीरो एनीथिंग टू पावर जीरो इक्वल टू वन तो इसका हो जाएगा टाइम इनवर्स मतलब सेकेंड इनवर्स अब आप निकाल लो यूनिट ऑफ के सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे वन माइनस टू तो ये हो जाएगा माइनस वन तो वन बाय कंसंट्रेशन तो लीटर मोर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इसका हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लो टाइम कम है अब हम बात करेंगे मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर का तो ये यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ये दो नंबर में पूछेगा तो इसको प्रॉपर लिख लो मोलिकुलरिटी इधर बना दो ऑर्डर ठीक है ये हो गया मोलिकुलरिटी ये हो गया ऑर्डर फर्स्ट पॉइंट मोलिकुलरिटी क्या आता है नंबर ऑफ मोलिकुल्स नंबर ऑफ मोलिकुल्स व्हिच टेक्स पार्ट व्हिच टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन इन एलिमेंट्री रिएक्शन नंबर ऑफ मोलिकुल्स विच टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन अच्छा ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर होता है इट मे बी डिफाइंड एज इट it may be defined as sum of power of reactant term which is used in rate determining step रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये मोलिकुलरिटी होता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में कितना मोलिकुल पार्टिसिपेट कर रहा है और ऑर्डर होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखते हो स्लोएस्ट स्टेप का उस कंडीशन में कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसका सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है सेकेंड पॉइंट ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है ये थ्योरेटिकल है ये एक्सपेरिमेंटल है थर्ड पॉइंट इसका वैल्यू होता है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू यहां पे हो जाएगा इसका वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शनल और इंटीजर सब हो सकता है सब हो सकता है ठीक है आप नोट कर लो एक और पॉइंट लिखना हो तो लिख देना मोलिकुलरिटी मोलिकुलरिटी इज अपलीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर में आप लिख सकते हो ऑर्डर इज अप्लीकेबल ऑर्डर इज अप्लीकेबल एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो फिर नट सेल में बात कर लें

और पॉजिटिव हो सकता है और इंटीजर हो सकता है मोलिकुलरिटी अपलीकेबल है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए और ऑर्डर अपलीकेबल है एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप इसे नोट करें बच्चों अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इंटीग्रेटेड रेट लॉ सबसे पहले हम इसमें लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन मान लो कोई रिएक्टेंट आर है और वहां से प्रोडक्ट क्या बन रहा है पी मान लो कोई रिएक्टेंट आर है और प्रोडक्ट बन रहा है यहां से पी ठीक है <coughs> तो माइनस डी आर बाई डी टी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा माइनस डी आर बाई डी टी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट विल बी इक्वल टू के इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू पावर जीरो क्यों क्योंकि हमने पहले ही रिएक्शन का ऑर्डर क्या मान लिया है जीरो एनीथिंग टू दी पावर जीरो इक्वल टू वन तो आर टू दी पावर जीरो का आप क्या ले लोगे वन ले लोगे तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के तो यहां से हम लिख सकते हैं कि माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी या डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी इसको इंटीग्रेट कर दो इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा आपको आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट आई ले लो जब मैथमेटिक्स में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो वहां पे कांस्टेंट क्या लेते हो सी यहां पे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आय ले लो अच्छा तुम बोलोगे सर आई का वैल्यू निकाले कैसे मैं निकालूंगा एट टाइम टी इक्वल टू जीरो टाइम टी इक्वल टू जीरो मतलब जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ था तो शुरू नहीं हुआ था टाइम टी इक्वल टू जीरो आर नॉट इक्वल टू माइनस के इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट और आप लिख सकते हैं कि के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर सो के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर कंसन दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यस और नो आप इसका ग्राफ कैसे खींचोगे अब इसका जो ग्राफ लोगे तो इधर ले लो आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ आर इधर आप ले लो टाइम टी जब ये ठीक है आ रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो ये है ये कितने के बराबर है आर नॉट के बराबर तो इक्वेशन तो तुम्हारा ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो m जो कि स्लोप है वो जीरो ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा माइनस के के बराबर m जो कि स्लोप है वो जीरो ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा माइनस के के बराबर फिर से आप समझ लो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम t इक्वल टू जीरो आर से p बना माइनस डी आर बाई इक्वल टू के इन ऑफ आर टू दावर जीरो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई अब हमें I का वैल्यू निकालना था माइनस के इन टू जीरो प्लस आई तो आई इक्वल टू आर नॉट ये वैल्यू इसमें डाल दो आर इक्वल टू आ जाएगा माइनस के टी प्लस आर नॉट यहां से तो और ये कंसंट्रेशन और इसके बीच का ग्राफ निकल गया और जीरो ऑर्डर के लिए जो स्लोप हो गया एम इक्वल टू माइनस के कितना हो गया माइनस के नोट कर ले आप इसे स्क्रीनशॉट इस ले लो बेटा टाइम कम है सत्ताईस को ही एग्जाम है ठीक है अब मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अब बेटा हमारा हो गया टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने रिएक्टेंट आर लिया प्रोडक्ट बन रहा है टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मान लो इसका कंसंट्रेशन आर नॉट था ये जीरो था आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टी ये आर हो गया और ये कुछ अभी मेरे इससे मतलब नहीं है इनिशियली अभी तुम रखो कि आर नॉट था चलो माइनस डी बाय डी ये क्या बता रहा है रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या मान लिया आर एट टू दी पावर वन वन क्यों लिया है क्योंकि वन यहां पे ऑर्डर है ऑर्डर हमने क्या मान लिया है वन ओके okay. तो आप लिख सकते हो कि माइन माइनस डी तो यहां से हो जाएगा माइनस डी आर बाय आर इक्वल टू के डी टी और आप लिख सकते हो कि डी आर अपॉन आर इक्वल टू माइनस के टी अब तुम लोग इंटीग्रेशन जानते हो डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल एन आर एल एन आर इक्वल टू सॉरी डी टी एल एन आर इक्वल टू के टी और प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई ले लो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई ले लो तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हो गया है इनिशियल टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो ये क्या हो जाएगा एल एन अच्छा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं था तब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने क्या लिया है आर नॉट एल एन आर नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस आई तो आई इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा एल एन आर नॉट एल एन आर नॉट ठीक है अब उसमें वैल्यू पुट कर दो सो एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट इसको इधर ले आओ के टी इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर के टी इक्वल टू एल एन आर नॉट बाय आर क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए बाई बी अच्छा के टी इक्वल टू एल एन को बेटा लॉग में चेंज कर दो तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग आर नॉट अपॉन आर इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय टी लॉग आर नॉट अपॉन आर दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन हो गया फिर से आप समझ लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना माइनस डी आर बाई डी टी क्या बता रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू के टू कंसंट्रेशन ऑफ आर टू दी पावर वन कंसंट्रेशन ऑफ आर टू दी पावर वन ओके तो माइनस डी आर बाई डीवल टू के आर तो माइनस डी आर बाईल टू माइनस के डी टी इसका इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रेशन हो गया एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर मैथमेटिकल जो इंटीग्रल कॉन्स्टेंट होता है न कैलकुलेट दैल्यू ऑफ आई इन दैट कंडीशन पुट द वैल्यू एट टाइम टीवल टू जीरो का क्या मतलब हो गया कि जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ था एल एन आर नॉट इक्वल टू माइनस के इन टू जीरो प्लस आई सो आई इक्वल टू एल एन आर नॉट अब ये सारे वैल्यू इसमें पुट कर दो एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट सो केक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर टू इक्वल टू एल एन आर नॉट बाय आर के टी इक्वल टू अच्छा एल एन को लॉग में चेंज कर दिया टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग आर नॉट बाइंट थ्री जीरो थ्री बाय टी लॉग आर नॉट बाय आर नोट डाउन चलो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं तो ग्राफ हो जाएगा एल एन आर वर्सेस टी एल एन आर वर्सेस टी और ये हो जाएगा आपका पॉइंट जो स्लोप है ये हो जाएगा एल एन आर नॉट स्लोप एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस के माइनस के यदि आप दूसरा ग्राफ लोगे लॉग आर नॉट वर्सेस आर अपॉन टेन तो ये ले लो अब स्लोप हो जाएगा एम इक्वल टू के बाय टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री के बाय टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अच्छा कुछ एग्जांपल्स याद रखना एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल याद रख लो सी टू एच फोर प्लस एच टू सी टू एच फोर प्लस एच टू से बनेगा सी टू एच सिक्स ये गैसियस स्टेट में ये स्टेट में ये गैसियस स्टेट में एक एग्जाम्पल ये लिख दोगे ठीक है दूसरा एग्जाम्पल एन एच फोर टू का डिकम्पोजिशन करवा दो डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन एच फोर टू तो आपने ले लिया एनएच फोर टू इसको हीट कर दो इट विल गिव यू एन टू प्लस टू एच टू ओ टू एच टू ओ नोट डाउन नोट कर लिए नोट कर लो बेटा नोट कर लो ठीक है बच्चों अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड की अब आप ले लो यहां पे पॉइंट हाफ लाइफ पीरियड हाफ लैफ पीरियड टी हाफ से डिनोट करते हैं ये हो जाएगा आपका टाइम टेकन टाइम टेकन टू कन्वर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम टेकन टू कन्वर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू हाफ जितना देर में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाए वो टाइम क्या कहलाएगा टी हाफ अब जीरो ऑर्डर के लिए देख लो पहले जीरो ऑर्डर के लिए जो मैंने तुम लोगों को बताया था एक्सप्रेशन क्या बताया था के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी तो जितना देर में आर नॉट क्या हो जाए आर नॉट बाई टू So, k इक्वल टू आर नॉट आधा हो जाए तो आर नॉट अपॉन टू उस टाइम t को क्या बोलोगे टी क्या बोलोगे टी हेट मीन्स की के इक्वल टू आर नॉट अपॉन टू टी तो यहां से आपका हो जाएगा t हाफ इक्वल टू आर नॉट बाय टू के यह आप बता सकते हो कि t हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टू दी पावर वन और टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टू दी पावर जीरो माइनस वन टाइम इन टू कन्वर्ट द ऑफ़ रिएक्टेंट इनटू हाफ जितना देर में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाए उस टाइम को हम क्या बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड ठीक है भैया आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन था अब बात का कंसनट्रेशन क्या है आर 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 ये R कितना हो जाए बाय तो आर नॉट माइनस आर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टू दी पावर वन और टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर नॉट टू पावर जीरो माइनस वन ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर के लिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट टाइम कम है ट्वेंटी सेवन को एग्जाम है अब आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा हमने क्या बताया था टू पॉइंट थ्री जीरो जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ आर नॉट से आर नॉट कैंसिल तो यहां से टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी हाफ लॉग टू सो के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू पॉइंट थ्री जीरो वन टी हाफ के इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री टू अपॉन टी हाफ या आप बता सकते हो कि टी हाफ इक्वल टू पॉइंट सिक्स नाइन थ्री टू बाय के अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड में आप कहीं पे देख रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कोई टर्म है नहीं है इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहां से पॉइंट बन जाएगा हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नोट डॉन अब हम बात करने जा रहे हैं यहां के लास्ट टॉपिक आरहेनियस इक्वेशन का आरहेनियस इक्वेशन आरहेनियस इक्वेशन क्या होता है के इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के हो गया रेट कांस्टेंट ए आपका हो गया ए इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और इसका दूसरा नाम है आरहेनियस फैक्टर आरहेनियस फैक्टर ये इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन इनर्जी टी इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन इन केल्विन आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट आर एन एक्शन के इक्वल टू ए टू पावर माइनस ई ए आर टी में हर एक टर्न का मतलब आपको पता चल गया एक के हो गया रेट कॉन्स्टेंट ये एक्टिवेशन एनर्जी आर गैस कॉन्स्टेंट टी टेम्परेचर ए आर एन समथिंग लाइक दैट अब आप क्या करो कि फिर से हमने लिखा के इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी टेकिंग एल एन बोथ साइड्स। किंग एल एन बोथ साइड दोनों तरफ एल एन ले लो वी गेट एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई बेटा जगह कम है नोट कर लिया आप इसे एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी ये बाय आर टी अब यदि आप ग्राफ इसका ड्रॉ कर रहे हो एल एन के वर्सेस वन अपॉन टी एल के वर्सेस वन अपॉन टी तो इसका जो स्लोप हो जाएगा मिला ही दो एम इक्वल टू हो जाएगा ई ए बाय आर इसका स्लोप हो जाएगा एम इक्वल टू ईए बाय आर सॉरी माइनस ई ए आर और इंटरसेप्ट हो जाएगा इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका एल एन एल एन एल एन ए ठीक है अच्छा फिर से हमने लिखा एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी एल एन को लॉग में बदल दो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी सो हेंस लॉग के इक्वल टू अब आप क्या करो 2.303 से डिवाइड कर दो तो टू लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री और टी लिख सकते हैं लॉग के टर्म में और लॉग के टर्म में जब तुम इसका ग्राफ खींचोगे उस लॉग के अपॉन वन बाय टी तो इसका जो स्लोप आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस ई ए, ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर थ्री जीरो थ्री आर एट टी इक्वल टू टी वन हम क्या लिखेंगे लॉग के वन इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी वन फर्स्ट मान लो इक्वेशन एट टी इक्वल टू टी वन लॉग के वन इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी वन एट टी इक्वल टू टी टू लॉग के टू इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी टू इसको हमने सेकेंड मान लिया नहीं वो तो ले का नाम तो बेटा सॉरी कुछ लोग आ गए थे गैस वाले चेक करने के लिए हो जाता है कभी कभी क्या करोगे लाइफ में कभी कभी सेकेंड माइनस फर्स्ट गेब्स जो सेकेंड माइनस फर्स्ट देगा वो क्या दे देगा लॉग के टू माइनस लॉग के वन तो लॉग के टू बाय के वन इक्वल टू ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू टी वन इंटू टी टू आप इसे नोट डाउन करें तो ठीक है यहां से तो क्या आ जाएगा कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ठीक है बेटा तो केमिकल कैनेटिक्स में मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया रेट इक्वेशन बता दिया ऑर्डर एंड मोलिकुलेटी बता दिया जीरो ऑर्डर बता दिए फर्स्ट ऑर्डर बता दिए हाफ लाइफ पीरियड बता दिया इक्वेशन बता दिया उसके वेरिएशन बता दिए जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सबका रिविजन आपको वन शॉर्ट में मैंने यहां पर करा दिया आगे नेक्स्ट चैप्टर का आप वेट करेंगे ठीक है तब तक के लिए थैंक यू थैंक फॉर ऑपरेशन ओके बाय बाय